तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सवाल है कि मॉड एक्स का आपको एनालिसिस करना है एक्स का एनालिसिस बहुत सिंपल है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स एग्जैक्टली सर होता क्या है तो अगर अपन मॉड एक्स के बारे में बात करते हैं तो मॉड एक्स को अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो मॉड एक्स की वैल्यू होती है सर एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर मैं बात करता हूँ तो ये माइनस एक्स जब मेरे पास एक्स की वैल्यू छोटी है जीरो से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो दोस्त अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्स है उसका डिफरेंशिएशन ये तो पूछ लिया है 2022 में सर क्या बात कर भाई ये 2022 में आया क्वेश्चन है 2022 में आया क्वेश्चन है कि एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली exactly क्या होता है तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स 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 बाय बाय नो फर्क एट ऑल अगर आप यहां से देखते हो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो उसकी वैल्यू आ जाएगी वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन वेन एक्स इज लेस देन वन वी नो दैट दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल राइट दिस टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल सो वी कैन से वीकेंड से कि ये ये डिफरेंशियबल नहीं है कहां पर कहां पर ओ माई गाड ये तो जीरो होगा ना बाबा कहां पर सर जीरो पर जीरो पर यह डिफरेंशियबल नहीं और अगर मैं देखता हूं कि यहां पर इसको अगर मैं डायग्राम में फॉर्म करके सोचता हूं कि सर डिफ्रेंशिएशन का अगर मैं डायग्राम बना दूँ तो ये वाली वैल्यू और ये वन ठीक है <kling> और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस वन जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है इस वन और माइनस वन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है जीरो पर जीरो पर वैल्यू पता नहीं है जीरो पर वैल्यू डिफाइन नहीं है तो मेरे को दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू तो जीरो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं दोस्त तो डिफरेंशिएशन जो है मेरा वो डिसकंटिन्यूअस है अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन मेरे पास डिसकंटिन्यूअस है तो ऑप्शन ए अगर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आगे पढ़ते हैं वाई डिसकंटिन्यू नहीं भाई वाई तो बिल्कुल है जीरो पे जीरो जीरो पे जीरो बात है नॉट डिफाइन एट एक्स इज एवल टू जीरो अगर आप ग्राफिकली सोचते हो इसको अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो आपके पास ग्राफ दिखेगा भैया ये यहाँ पे टप्पा खाया और इधर चले गए जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं अगर बात करता हूँ तो मैं टप्पा पॉइंट के यहाँ पर बात करता हूँ ये जो मेरे पास बॉल आई ऐसे ये मॉड एक्स है ये जीरो पर टप्पा खाई और ये बॉल इधर चले गई तो ये जो मेरे पास दिख रहा है ये पॉजिटिव ये निगेटिव स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है निगेटिव साइड पर निगेटिव है पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव है स्लोप की अगर अपन बात कर रहे हैं है, तो अगर जीरो पे बात करें तो एग्जैक्टली वैल्यू जीरो होती है प्रखर भारद्वाज बहुत बढ़िया अमर भाई तो ये टप्पा पॉइंट है तो नॉट डिफाइन की बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया ये भी गलत हो गया और बोथ डिसकंटिन्यूस है तो ये भी गलत हो गया इसका मतलब ये हो रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कि मैं अगर बात करता हूं तो डीवाई बाई डी मेरे पास क्या है डिसकंटिन्यू अगर मैं तुमसे सवाल करूं क्वेश्चन रिप्लाई करेगा सब लोग कमेंट में अच्छा लास्ट क्लास का लास्ट जो क्लास थी उसका होमवर्क बना लिए क्या यार लास्ट क्लास का कल की क्लास का होमवर्क बना लियो कहो ना प्यार है मतलब बोलो ना बनाए होमवर्क किए थे बनाए थे पक्का चलो अच्छी बात है वन बाय इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर

ये कानपुर में आया हुआ सवाल है लेट्स हैव दिस क्वेश्चन आईडी कानपुर 19, 19, 1995 में आया हुआ प्रश्न है अगर मैं बात करता हूं क्या अगर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन हूँ मॉड एक्स प्लस वन तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यार टप्पा पॉइंट क्या होता है तो अगर मैं बात करता हूं टप्पा पॉइंट निकालने का तरीका या कहां पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो मॉड एक्स के अंदर अगर लिखा हो तुम्हारे पास एक्स प्लस वन कुछ मत करो सुनो इधर ये तुम्हारे पास फंक्शन है कुछ मत करो सुनो इधर सर क्या कर रहे हैं बोलो ना मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो सुनो इधर क्या करोगे इसकी वैल्यू को उठा के कर देना जीरो ठीक है जैसे तुम इसकी वैल्यू को जीरो करोगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन यह तुम्हारा है टप्पा पॉइंट ये तुम्हारा क्या है टप्पा पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो की पॉइंट लिख लो कि मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टप्पा पॉइंट है ना टप्पा पॉइंट को कुछ लोग एज पॉइंट ये सब बोलते हैं एज इकस्प नोटोर दुनियादारी भाड़ में मजा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो अगले महीने पेपर आने वाला भाई है ना तो टप्पा पॉइंट में मेरे पास क्या और नॉट डिफरेंशियबल तो यहां पर अगर बात कर रहा हूं तो ये टप्पा पॉइंट मतलब क्या सर? मतलब यह हुआ सर टप्पा पॉइंट मतलब ये हुआ कि ये था जीरो सर और यहां कहीं यह माइनस वन होगा तो ये बॉल ऐसे आई और ये टप्पा आई और इधर चले गई ठीक है तो माइनस वन अगर अपन बात करें तो माइनस वन पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा तो अच्छा अब ये देखो माइनस टू और जीरो के बीच में अगर बात करते हैं तो माइनस टू कहां पर होगा गुरु जी माइनस टू यहां पर होगा सर जीरो कहां पर है जीरो यहां पर है इसके बीच में क्या आ रहा है इसके बीच में टप्पा पॉइंट आ रहा है और यहां पर जो मेरे पास मॉड एक्स है इज नॉट डिफरेंशिएबल यस और नो इज नॉट डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल वहां पर नहीं होगा तो क्या बोल रहा है इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा बट नॉट एट ऑल पॉइंट सिर्फ किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं अगर मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बताओ कि किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है तो आंसर क्या होता बताओ किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है बाकी थिंग्स बाहर में जाए एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली यस बहुत सुंदर एग्जैक्टली यस बहुत सुंदर <laughs> चलो सही है तो कहां पर ये कहां पर ये डिफरेंशियबल नहीं है तो माइनस वन पर यह डिफरेंशियबल नहीं है गुरुजी बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मद्रास 2011 में प्रश्न हमारे पास दिख रहा है ठीक है तो देखो क्वेश्चन देखो रीड करो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द लैम्डा तो यहां पर मैं लिमिट की भी बात करूंगा और कंटिन्यूटी की बात करूंगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन की बात चल रही है यहां ठीक है तो यहां पर क्या बोलता है वैल्यू ऑफ की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइज बिलो इज कंटिन्यूअस एट एक्सिको टू पाई बाई टू एक्सो टू पाई बाई टू पे सिंपल और सादगी भरा प्रश्न है आंसर आप अभी कमेंट मत करिएगा फिलहाल ध्यान से देखते हैं कि होने क्या वाला है अगर कंटिन्यूस में बात करता हूँ तो सुनो अगर बात करता हूं कंटिन्यूटी तो की तो कंटिन्यूटी पे क्या होता है मेरे पास लिमिट कहां पर बात करनी है पाई बाई टू पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है दोस्त वो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर होती तभी अपन बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है आप क्या बोलते हो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ठीक है ट्विंकल इंकल चैटर्जी बहुत बढ़िया बच्चे तो यहाँ पर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म दिख रहा है कैसे दिख रहा है सर उसको कैसे दिखा देखो कॉस पाई बाय टू जीरो होता है और पाए बाय टू माइनस पाए बाय टू जीरो होता है तो इसमें मैं लॉपिकल मेथड अगर लगा देता हूँ यहाँ पर तो इसमें मैं लॉपिकल मेथड लगा देता हूँ जिसको आप लोग एल हॉस्पिटल बोलते हो ठीक है तो लॉपिकल मेथड अगर अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका डिफरेंसिएशन कर देंगे तो लेमटा को ले लेते बाहर आराम से दिखेगा ठीक है लेमडा को ले लेते अपन बाहर लेमडा आ गया बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस्ट का कितना होता है माइनस साइन एक्स और अगर मैं नीचे वाले को देख रहा हूं तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया पाई बाई टू का अरे बोलो यार जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स का माइनस वन माइनस वन और बात कहां पे हो रही है एक्स बराबर पाई बाय टू पे और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे कितनी है फंक्शन की वैल्यू है पाई बाय टू पर कितनी वन फंक्शन की वैल्यू है पाई टू पे वन। पाई बाय बाय पे कितना होता है तो ये देखो माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय बायू की वैल्यू क्या होती है सर वन होती है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई वन ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन सी तुम्हारे पास सही है सिंपल सा सवाल था सिंपल सा क्वेश्चन था।, था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे गेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है ठीक है और इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम बात करूं तो गेट में आया हुआ है अगर मैं बोलूं लिमिट डिफाइन होने के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी तो भी आप ऐसा ही करोगे कि आप फंक्शन को पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड करो और वैल्यू वहां से निकाल लो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि एफ ऑफ जीरो निकाल के दिखाओ या एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाओ है ना तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को डिफाइन कराना पड़ेगा पहले अगर मेरे पास दो तीन तरीके से फंक्शन को डिफाइन है अगर फंक्शन दो तीन तरीके से डिफाइन है जैसे कि इज ग्रेटर देन के लिखा एक्स इज लेस देन वन के लिखा इस टाइप से फंक्शन अगर डिफाइन है तो बहुत ही सिंपल तरीके से जब भी याद रखिएगा आपके लिए एकदम सिंपल सी बात है कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए है तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो और एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है तो आप यहां पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो इसमें कोई भी ज्यादा सोचने समझने का या टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन सुपर बेहतरीन मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज आज इन अवर गेट एग्जामिनेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख जाएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एफ एक्सिकॉड लिखा हुआ 1 X के पावर में एक्स। तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना रिप्लाई नहीं करेंगे अभी कमेंट पे जब आंसर आने वाला होगा तुम्हारा तो कमेंट कर देना कि सर ये मेरा आंसर आ रहा है एफ एक्सिकॉर्ड वन प्लस एक्स टू दावर कॉट एक्स और यहां पर बोल रहे हैं जीरो पर एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी ठीक है और बेटा लिंक जो है वो पिन कर देना तो सुबह वो दिया होगा क्या तुमको कुछ डालने के लिए इसमें दिया है प्रकाश से बात कर जीरो टू तो द पावर इन्फिनिटी नहीं बेटा वन टू तो पावर इन्फिनिटी होगा ना एक्स बराबर जीरो डालेंगे ना अपन एक्स बराबर हम डालेंगे जीरो है ना एक्स बराबर हम क्या डालने वाले जीरो x बराबर अपन क्या डालने वाले हैं सर ज़ीरो डालने वाले हैं और जितने लोग देख रहे हैं सारे से मेरा आग्रह है कि आप सारे के सारे लोग आई लो नो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में ठीक है बट आप लोग का सेशन लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आई नो आप लोग न्यू ईयर मनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो ठीक तो है फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एफ जीरो निकालना तो हमको पता है अगर ये कंटिन्यूस है अगर जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो बेटा ज़ीरो पे जो लिमिट होगी लिमिट एक्स एक्सटेंस टू तो जीरो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिस सो व्हाट विल बी द वैल्यू लिमिट एक्स एक्सटेंस टू जीरो ध्यान से देखना ठीक है सो एफ एक्स की वैल्यू क्या वन प्लस एक्स टू दावर कॉट एक्स लिख देते हैं सो so ये मेरे पास आ गया वन प्लस एक्स एंड टू द पावर ऑफ कॉट एक्स क्लियर है क्या सो नाउ इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एफ जीरो जीरो पुट करोगे कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है टेन जीरो जीरो इन्फानेट हो जाएगा वन टू द पावर इन्फानेट तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है क्योंकि वन का पावर इन्फानेट जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ना? है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म आईडी फॉर्म बोलते हैं अपन इसको शॉर्ट में तो अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको कुछ तरीका है सिंपल सा कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो आप एकदम ध्यान रखिएगा चाहे तुम्हारा मैक्म मिनिमम हो सुन लो चाहे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमाम हो चाहे कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिबिलिटी हो चाहे कैलकुलस हो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा तो लॉग ले लेंगे भाई फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा तो लॉग ले लेंगे ठीक है तो ले लेते लॉग चलो तो ये आ गया मेरे पास एल एन ऑफ़ एफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो यहाँ पर क्या आ गया सर ये आ गया एल एन ये आ गया वन प्लस एक्स ठीक है लिमिट है ये आ गया और ऊपर में क्या है सर कॉट एक्स इसको कान पकड़ के नीचे पकड़ दो सिंपल सा क्या आ जाएगा बोलो ये आ जाएगा लिमिट x एक्सटेंस टू जीरो ये तुमने कान पकड़ के अरे लॉग का पावर एम पावर लॉग एम पावर इन क्या होता है यार एम को नीचे ले सिंपल चलो कर ले क्या हो जाएगा यार बोलो यार बोलो ये हो गया सर लॉग लॉग पहले क्यों आ जाएगा भाई पहले क्या आ जाएगा कॉटेक्स तो ये आ गया सर कॉटेक्स और इन टू लॉग वन प्लस एक्स बिल्कुल सही है एकदम सही बात है सर अब क्या करेंगे तो देखो यार कॉटेक्स जो तुम्हारे पास है अभी भी, भी पंगा करेगा क्योंकि जीरो पे इन्फान देगा इनफान इंटू लॉग वन जीरो इन्फान एट इंटू जीरो टेंशन देगा तो कभी भी सुनो अगर तुम्हारे पास इन्फान एट इंटू जीरो है दोस्त कभी भी तुम्हारे पास अगर इन्फान एट इंटू जीरो है तो तुम इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म बदल दो ना यार हाँ यार और फिर लोपित लगा दो देखो कैसे बदले कैसे बदले बोलो सर तो देखो ये एल एन एफ जीरो चल रहा है इसमें कोई दिक्कत अरे तो इधर है कोई दिक्कत नहीं है इधर देखो उधर देखो यहां पर आया लिमिट एक्सटेंस टू जीरो भाई ध्यान से देखना ठीक है ये कॉटेक्स को अपन चेंज कर दिए टेन एक्स में तो ये मेरे पास क्या आ गया लॉग वन प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या कॉटेक्स का क्या हो गया दोस्त टेन एक्स अब मेरे भाई ध्यान से देखो ये तुम्हारे पास हो गया ना सेम क्या हो गया सर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया ये कौन सा फॉर्म आ गया जीरो बाय जीरो फॉर्म जैसे तुम्हारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आया अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान हो गया सर कैसे मतलब इससे आसान क्या ही होगा हम लगा देते हैं यहां पर लॉपिकल मेथड ठीक है तो ये आ गया मेरे पास एल एन ऑफ एफ जीरो प्लीज ध्यान से देखना इसको ये मेरे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉपिटल का मतलब होता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा log का क्या सर वन अपॉइंट वन प्लस एक्स और टेन का क्या टेन का क्या डिफरेंशिएशन सर सेक्वायर एक्स बोलो यस और नो एक्स की जगह पर डाल देंगे जीरो एक्स की जगह पर डाल देंगे जीरो जीरो आ गया वन बाय वन वन सेक्स जीरो वन आ क्या गया वन बट वन आंसर नहीं है ये तो भाई मेरे एफ जीरोन एफ जीरो की वैल्यू एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई एल एन उधर जाके बना दिया इसको ई e का पावर वन आंसर क्या e आ गया ई आ गया ये लो भाई करेक्ट है कमेंट करेंगे भाई यस yes और कुछ लोग वन बोल रहे हैं यार कुछ लोग वन आ रहे है? पक्की बात है अरे जीरो बाय जीरो फॉर्म है यार जीरो बाय जीरो फॉर्म है कैसे हो जाएगा वन ई पक्का प्रखर मोहम्मद सलाम चलो ये अच्छी बात है सारे लोग सॉल्व करते हो ये अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी कि जितने लोग हैं जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं सब लोग एफर्ट मार रहे हैं और सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ये अच्छी बात है बहुत गुड बहुत गुड बहुत, बहुत बढ़िया सुब्पा हेलो के सवाल आगे बढ़ते हैं ये लो भाई इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं सवाल में तुमको दिख रहा है क्या सवाल में तुमको दिख रहा है ये और ये और बोल रहा है इस कंटीन्यूअस इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में बट अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ध्यान सुनना ओके okay. एरिया अंडर कर दीजिए अरे नहीं भाई कुछ भी कुछ भी मत बोलो यार हैं कुछ भी कुछ भी मत बोलो कंटिन्यूअस है कहां से तुम एरिया अंडर कर सोच रहे हो कंटिन्यूस है ये दोनों में कॉमन पॉइंट है जीरो देखो ध्यान से दोनों में कॉमन पॉइंट है जीरो ये यह देखो यहां पर एक्स छोटा है जीरो से यहां पे एक्स बड़ा है जीरो से छोटा अगर हो तो हम निकाल लेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट और राइट को मिला के लाइट बोल रहा था है? लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पर क्या निकाल लोगे सर यहां निकाल लोगे आप राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सो हियर यू कैन हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हियर यू कैन हैव राइट हैंड लिमिट ठीक है निकालेंगे कैसे ये मुद्दा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पे x बराबर जीरो पे वैल्यू निकालना है यहां पर x बराबर जीरो पे वैल्यू निकालना है हम लोगों को कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में अगर बोलूं तो मैं कह दूंगा राइट हैंड लिमिट मेरे भाई बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पर अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट ओवर वन प्लस पी एक्स आराम से देखना बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा इसको क्या बोलते हो ट्रिक से सॉल्व करो कि मेथड से सॉल्व करो कमेंट करो सर ट्रिक से सॉल्व करें कि मेथड से सॉल्व करें कमेंट कर दीजिए भाई आप क्या चाहते हो ट्रिक से सॉल्व करूं कि मैथड से सॉल्व करूं जैसा बोलो और ये मेरे पास आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इस बार मेरे पास फंक्शन क्या सर टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू नाउ यू कैन कमेंट ट्रिक से सॉल्व करे कि मैथड से सॉल्व करे ट्रिक से कर दे दोनों से कर दे अच्छा <coughs> चलिए मेथड में क्या होता है मेथड में क्या करेंगे ध्यान से देखो ये तो एक्स बराबर जीरो पे जीरो, दे जीरो, जीरो, तो जीरो तो माइनस ऑफ इसकी वैल्यू आ गई सेटिस्फाई कर दिया हमने पुट कर दिया हमने पुट जैसे हमने किया एक्स जीरो जीरो बट यहां पर जब तुम जीरो पुट कर दोगे तो ये जो है ना यहां जैसे तुम जीरो पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा दोस्त जीरो बाइ जीरो ये आ जाएगा जीरो बाय जीरो फॉर्म हाँ या ना पक्की बात है तो यार जो मेथड बोलता है वो ये बोलता है कि लॉपितल मेथड आप बता दो एल हॉस्पिटल जिसको आप कहते हो तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर मैं लॉपितल मेथड यहाँ पे अप्लाई करता तो हूँ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे नीचे वाले का तो वन आ जाएगा ऊपर वाले का क्या हो जाएगा ये हो गया वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस पी एक्स इन टू पी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस पी एक्स पी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस सात के साथ करेक्ट है और इज इक्वल टू क्या माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या सर इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू क्या माइनस हाफ खुली आंख से देखो अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं इसमें जैसे मैंने यहां पर लिमिट पुट कर दी पी एक्स के कारण ये जीरो एक्स के कारण ये जीरो बचा पी बाय टू यह बचा पी बाय टू पी बाय टू प्लस पी बाय टू क्या आया पी इज इक्वल टू क्या आया माइनस ऑफ क्या बोलते हो परफेक्ट बहुत सुंदर अब बात आती है सर अगर ट्रिक से अगर मैं इसमें ट्रिक अप्लाई करूं या सोचे हम लोग है ना कि सर ट्रिक कैसे सोचे अगर ट्रिक कैसे सोचे तो देखो कभी भी ऐसा अंडर रूट वाला आता है ना ध्यान से देखना इधर ठीक है कभी भी ऐसा अंडर रूट वाला आता है ना तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कैसा लिख सकते हो पता इसको लिख सकते हो तुम वन प्लस पी एक्स का पावर हाफ ठीक है माइनस वन माइनस पी एक्स का पावर हाफ ठीक है ठीक है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ हम इसको लिख देता हूँ वन प्लस पी बाई टू एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस पी बाई टू और ये एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स है तो लिमिट डालूंगा, जीरो तो उससे जीरो जाएगा देखो ध्यान से ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा क्या बचा पी बाय टू पी बाय टू बचा पी इसकी वैल्यू क्या है सर क्या बोलते हो तो ये डायरेक्ट जेडब्ल कंसेप्ट है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप का हम लोग सॉल्व करते थे ऑन द स्पॉट खत्म कर सवाल सॉल्व करने में मतलब इसमें क्वेश्चन को देखो और समझो और सॉल्व करो उतना मतलब अब तुम्हारे लिए डायरेक्ट रूट, रूट रूट वाला आएगा तो डायरेक्ट रूट रूट करके खत्म कर देंगे ट्विंगल बोल रही है बाइनोमियल एक्सपांशन बहुत बढ़िया वही छे कैसे सर वन प्लस एक्स को दी पावर माइनस वन क्या होता था ये वन माइनस एक्स प्लस याद आया क्या है ना याद आया ठीक है चलो पावर एन ना, ना 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 तो भी वैसा कर लेते आयुष तो भी वैसा कर लेते बट हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड क्वेश्चन अंडर रूट वाला क्वेश्चन अंडर रूट वाला क्वेश्चन तो यही अप्लाई करेंगे अगर तुम बोलोगे पावर अगर मैं बात करूं एन वाला तो ये हो गया वन प्लस एक्स का पावर एन तो कैसा करते थे वन प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स का पावर टू प्लस एन सी थ्री याद आया अरे बोलो यार अरे बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन याद आया एन वन एनसी टू एन थ्री एनसी फोर ठीक बोलते हैं चलो बढ़िया सही है भाई बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न करेंगे विद्यार्थियों एक्स क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ सिंपल बट मार्वलस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लवेबल क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ ये सवाल मैं चाहता हूं कि तुम लोग सॉल्व मत करो सवाल की गहराई और मोहब्बत और नजाकत इनायत को समझते हुए सॉल्व करेंगे ठीक है और देखो यार आज तो तुम लोगों को टारगेट है आज तो बेटा हंड्रेड होना चाहिए तो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर मालो बोलो भाई सब ज्वाइन करो ये होना चाहिए इसको बोलते हैं भाई सर का सपोर्ट करना इसको बोलते हैं सर का सपोर्ट करना कि कॉलेज के व्हाट्सएप में ग्रुप में मार दिया है ना समझ रहे हो आप अपनी दोस्त को फोन कर दिए अटेंड कर कोई दोस्त अपनी दोस्त को कोई दूसरा दोस्त उसकी दोस्त को तीसरी दोस्त को बस यही पूछोगे खाना खाया कि नहीं खाना खाया अरे बोलो ना अटेंड करने सेशन बस यही है खाना खाया कि नहीं खाना खाया अरे क्या खाया खाने में चटनी का कलर क्या था डोसा खाया कि इडली खाया क्या बात है चलो ठीक है ये मक्खी खाया घूम रही हो और जब से मक्खी मूवी देखो तो मक्खी से डर लग गया मेरे को पता है मेरे को लगता है कि मक्खी खोज तो नहीं मेरे को मारने के लिए खतरनाक कहीं की पाक मक्खी देखो ना मक्खी तीन डॉट लगा के चलेगी यहाँ पे चलो भाई ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वेरिएबल डिफाइन बोल रहा है क्या ग्रेटर वाले पे स्क्वायर और लेस वाले पे माइनस तो सवाल कैसा देखो ध्यान से सवाल कैसा? सवाल बेटा ऐसा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं इसका एक बार डी करता हूं मतलब डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ये ये आ जाएगा सर टू एक्स और ये आ जाएगा माइनस टू से देखो क्या जीरो पर कंटिन्यूस है हाँ सर क्या ये डिफरेंशियबल है करके देख लेते हैं क्या ये वैलिड है जीरो पर ये जीरो ये जीरो हाँ सर चलो एक बार और करते हैं चलो अब देखो ध्यान से जीरो पर ओके जीरो जीरो डाला जीरो चेक करो जीरो डाला जीरो डाला जीरो डिफरेंशियबल है क्या चेक करो 0 डाला, 10 डाला, 10 डाला, जीरो डाल अरे जीरो कहा डालू है ही नहीं, नहीं जीरो तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब ये कि ये नहीं हो सकता नहीं ये हो नहीं सकता नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता मतलब दो बार डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो सकता

ये तो मॉड फंक्शन है भाई हेलो डिफरेंशियबल है कंटिन्यूअस है क्या ये डिफरेंशियबल है सुनो 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 क्या ये डिफरेंशियबल है कमेंट करो नो सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्या सर एक्स इज डिफरेंशियबल हा है फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट डिफ्रेंशियबल यस सर क्योंकि ये हो नहीं सकता और लाइक like के बटन के ऊपर चढ़ जाओ बार बार बोलना पड़ रहा है अभी तक हमने हाफ सेंचुरी मारी नहीं लाइक में कोई बात नहीं चलो ठीक है <coughs> आखिरी आखिरी का दिन है इस साल का इस साल का ठीक है आखिरी आखिरी का दिन है चलो बढ़िया और दो बार लाइक का बटन मत दबाना हेलो है ना एक ही बार दबाना चढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सवाल तो यार तुमको मजा देगा ये वाला सवाल तू मजा देगा यार दोस्त व्यूज से फर्क नहीं पड़ता यार मैं कह रहा हूं जो भी जनता है ना जो भी लोग रहे ऑथेंटिकेटेड लोग रहे यार है ना आई डोंट वॉन्ट फेक लोग कोई भी फेक लोग मत रहे ऑथेंटिकेटेड लोग रहे आए क्लास अटेंड करें अटेंड करें मस्त हाफ सेंचुरी हो गई सर हाँ थैंक यू सो मच और व्यूज में वॉचिंग में सेंचुरी भी होनी इंपॉर्टेंट है ना देखो द वैल्यू ऑफ ए और बी सच दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर देन ए प्लस बी अब मैं ये सोच रहा हूं कि ए प्लस बी बेटा आएगा कब समझे देखो इस क्वेश्चन को बनाने का बड़ा प्यारा तरीका है बहुत प्यारा तरीका है अगर तुम ध्यान से समझे तो एक सेकंड का सवाल है नहीं तो दो सेकंड लगेगा <laughs> ध्यान से देखना बस देखो यार ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा ये राइट हैंड लिमिट देगा और अगर ये हर जगह पर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर वन पे बराबर हो जाएगा तो एट एक्स बराबर से देखना अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो आ जाएगा टू इंटू वन प्लस वन बराबर अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वन पे ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी अरे बोलो यार ए प्लस बी बराबर क्या आ गया सर इतना लूल सवाल था ये और अगर हम बोलो गेट में आया था तो नहीं सर हाँ सर नहीं सर अरे हाँ सर लो भाई कितना प्यारा सवाल है यार ये कितनी क्यूट यार वाली आ रही है वो, वो उसमें नहीं बोलता जाकिर खान अरे कितनी क्यूट अरे कितना तो प्यारा सवाल है यार सॉल्व हो गया पता भी नहीं चला मजाक चल रहा है क्या मजाक चल रहा है क्या सोलो क्या पता भी नहीं चला ओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली गुड क्वेश्चन क्योंकि अब थोड़ा सा मिनिमा का सवाल है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा सवाल है मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये अल्फा बीटा आर द रूट तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक right? so है दिस इज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा राइट सो हाउ कैन वी हैव द मैक्सिमम मिनिमा की सर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं डबल डेरिवेटिव करते हैं देखते हैं दुखते हैं वो सब सब सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी वी हैव डन विद द मल्टीपल टाइम्स ऑफ की मैक्म होता है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली देखो क्या दे रहे रूट्स ऑफ दिस भाई इसका रूट है अल्फा बीटा ठीक है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना तो पहले अल्फा बीटा को समझना पड़ेगा अगर वो रूट है तो अगर वो रूट है तो किसी भी इक्वेशन का अगर मैं बोलूं यहां पर ax स्क्वायर ध्यान से देखना भाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो बेटे अगर इसका रूट अल्फा बीटा तो बेटे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है होता है सर माइनस बी बाई है तुमको पता है क्या हाँ अरे तुमको तो पता है सब तो देखो माइनस बी निकालो क्या बेटा माइनस बी क्या है ये है सर अच्छा तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा ए माइनस टू अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए, ए कितना है वन है चलो अच्छी बात है अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सर सी बाई ए अरे सी क्या है भैया ये रहा सी है ना माइनस और ये है ए प्लस बी नहीं ए प्लस वन सही है क्या सही है क्या पक्की बात है राहुल रॉय इतनी जल्दी नहीं बहुत तेज हो रहे हो इतनी जल्दी नहीं करो ठीक है चलिए अब मैं बात करो और अपॉन वन कर दिया चलो अब मैं बात करता हूँ क्या सर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे पता है नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस टू अल्फा बीटा अगर कर दिया तो ये आ जाएगा बोलो हाँ या ना यस सर अब ध्यान से देखो मेरे भाई ये हो गया एफ ऑफ ए ठीक है यही तो निकालने बोला है ए इज अ वेरिएबल बोल रहा है नहीं ये इज अ वेरिएबल बोल रहा हैं है ना ए इज अ वेरिएबल बोल रहा है तो एफ ए ठीक है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा ए माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा तो माइनस माइनस प्लस टू अल्फा बीटा बोले तो ए प्लस वन सो बेटा अगर ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है ध्यान से देखिएगा अगर ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तुमको निकालना है और यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम एकदम क्लियर कट बताया जाए तो वो होता है सर बराबर 0 बोलो या ना यहां से एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जो स्टेशनरी पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा यस yes. तो क्या करें डिफरेंशिएट कर दो क्या आ गया बोलो टू ए माइनस टू प्लस टू ए का डिफरेंशिएशन वन बराबर जीरो एक की वैल्यू क्या आ गई भाई तो ये आ गया टू ए माइनस कितना फोर प्लस कितना टू तो माइनस टू बराबर जीरो एक की वैल्यू क्या आ गई गुरु जी ए की वैल्यू आ गई मेरे भाई वन अगर एक की वैल्यू वन आ गई तो अब जो भी आएगा यार एक ही पॉइंट है मिनिमा यही मैक्सिमा यही इसके सिवा जाना कहाँ जीना है यहाँ वरना है डाल दो सीधे और क्या वन डालो यहां पे तो बताओ भाई बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया वन डाल दो इसमें क्या आ जाएगा ये वन माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन वन का स्क्वायर वन तो आ गया वन प्लस डाल दिया वन तो वन प्लस वन टू इंटू टू फोर आंसर बोलो बे पांच सब लोग कमेंट करेंगे यार आंसर राहुल सुरजीत मनिकेत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और हम लोग वॉचिंग में हंड्रेड किए ये तो दया दरवाजा तोड़ दो भाई ये गड़बड़ है नाइन्टी सिक्स पर तुमने मेरे को अटका के रखा हुआ है गलत बात है ये नाइन्टी सिक्स पर अटका के रखा है गलत बात है ये इसका मतलब तुम शेयर नहीं कर रहे है। चलो ठीक है मत करो ठीक अरे हो गया सर हंड्रेड वॉचिंग चलो शतक पूरा भाई का एक सौ दो हो गया और शेयर करो यार एक सौ दस करते टारगेट बढ़ाते जाते हैं एक सौ दस कर लेते चलो ये कप मिल गया वोहू है ना सर अगर ए माइनस बी का स्क्वायर लेते तो 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 ये नहीं निकाल पाते समझ रहे हो तो ये नहीं निकाल पाते और वो क्यों लेते हैं आयुषा लेते क्यों क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा ना जैसा फ्रेम हो सकता है हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है तो बी बाई और सी बाई क्या पूछेगा ठीक है रिमेंबर ऑलवेज लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज आज रिमेंबर गेट एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप का ठीक है इस टाइप का मल्टीपल टाइम्स चलो पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं मल्टीपल टाइम बाद में देखेंगे चलो भाई सॉल्व करते हैं चलिए 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 मैक्सिमम एरिया कभी भी ऐसा बोल देता है ना तो यहीं से फील कर लिया करो कि मैक्सिमम इनमें टाइप का कुछ लगेगा ठीक है इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रेक्टेंगल ध्यान से देखो और बताऊं ये क्या है ये कक्षा बारहवीं का ना ये ट्वेल्थ का आरडी चाचा की बुक का है हम लोग चाचा की बुक पढ़ते हैं ना उसका बट मैं क्या बोला कब आया सर ये गेट में ईयर मुझे याद नहीं है और मैं याद करना भी नहीं चाहता ठीक है हुज वर्टाइज लाइज ऑन द एलिप्स एलिप्स पे रेक्टेंगल के वाइसिस रखे हुए हैं ठीक अब एलिप्स क्या दिया हुआ बॉस एलिप्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर कुछ लोग को अगर लगेगा सर एलिप्स कैसा दिखेगा तो देख लो ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन ये फोर नीचे आ गया ना तो इसको मैं लिख देता हूँ वन बाय टू का स्क्वायर चलेगा क्या मांगता है नहीं मांगता यस yes, सर चलो देखो भाई अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा अगर मैंने कहा चलो इसका डायग्राम हम बनाए तो इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए हिलो मत यार तुम हिल रहे हो बज रहा है मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या बज रहा है चलो ध्यान से देखना x पे हमारे पास रेडियस वन है y पे रेडियस हाफ है इसका मतलब यहां से इलिप्स स्टार्ट किया हमने और ऐसा पट्टा करके ऐसा घुमा करके ऐसा कर दिया कोई दिक्कत इसमें आई डोंट थिंक होनी चाहिए अगर है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी ही बनेगा मान लेते हैं ठीक है अच्छा सर इसके ऊपर रेक्टेंगल को हम लोग लाई करा देते हैं ये देखो लाई करा दिया है ना ये लो लाई करा दिया इसमें सुंदरा, ठीक है अब थोड़ा सा यार अब ये मान के चलना भाई जो मिड बिंदु आयुष गुप्ता तुम आंसर बताने के सोजे तुम आंसर बताने के तुम आंसर बताने के चक्कर में रहते हो आंसर हो भाई तो यहां से अभी मेरे पास इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन अब ध्यान से देखेगा ठीक है इसको ना ऐसा कर देता हूं तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग फटाफट से सॉल्व कर ले अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना ये जो मेरे पास है ये जो पॉइंट मेरे पास है अगर मैं नापने के लिए नापने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने सोचा कि सर मैं जीरो से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को एक्स ले लेता हूं और सर मैं जीरो से लेकर के अगर यहां तक की डिस्टेंस को मेरे भाई अगर वाई ले लेता तो ध्यान से देखना प्लीज और ये ले लिया सर जीरो ध्यान से देखना ध्यान से देखना ठीक है यहां तक के डिस्टेंस को अगर एक्स ले लिया तो ये टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो टू एक्स हो गई और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस टू वाई होगी इसका मतलब क्या हो रहा है एरिया क्या हो जाएगा कमेंट करो एरिया क्या होगा एरिया हो जाएगा सर टू एक्स इंटू टू वाई सच बात है ये इसका मतलब सर एरिया हो जाएगा फोर एक्स वाई सच बात है ये सच बात है और इसी के मैक्सिमम मिनम की बात करनी है इसका मतलब सर ये तो डबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट हो गया नामना ना सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है यहां से अगर तुम तो वाई की वैल्यू निकालते तो की तो 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 हो तो वाई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या टफ पड़ जाएगा हम ऐसा नहीं कर रहे हम रट रहे नो नो हम जुगाड़ कर रहे हैं भाई हम सिंपल सोच रहे हैं हम सिंपल सोच के सॉल्व कर रहे क्लियर तो हम क्या कर रहे हैं अब मैं वाई निकालू वाई निकालो टफ पड़ेगा तो यार वाई स्क्वायर क्या आ सकता है तो तुम बोलोगे सर वाई स्क्र ईजी है सर कैसे सर वाई स्क्वर जो है ना वो अपना वन बाई फोर है सर और सर वन माइनस एक्स स्क्वायर सर इतना अच्छा है वाई स्क्वार अच्छा तो वाई स्क्र यहां पे है क्या नहीं तो मैं चलो एरिया का चलो अरे एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा सिंपल सी बात है यार और वैसे भी एरिया को नेगेटिव कभी भी ले नहीं सकता तो पॉजिटिव पॉजिटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दिया मान लो ये ये था एरिया का स्क्वायर कर देता है क्या दिक्कत है चलो अगर एरिया का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया सोलह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोलो यस सर अब चाहो तो वाई स्क्र यहां से डाल सकता हूं चलो डाल देते एरिया अभी आ गया फंक्शन ऑफ एक्स सोलह की वैल्यून बाई तू ऊपर जा रही है इसकी वैल्यू क्या क्या वन बाई फोर और वाई स्क्वायर क्या है यहां से देखो वन बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर जो कट सके उसे कटा दो चलो ये कट गया ये चौवा ठीक है तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है देखो ध्यान से एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है दोस्त एफ एक्स की वैल्यू जो फाइनल फंक्शन है जिसका मुझे मैक्सिमम इनमें माइनस चार एक्स पावर चार बोलो यस और नो इज दियर इक्वेशन इज स्टार राइट एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गुरुजी कुछ नहीं मैक्सिमम मिनम चाहिए तुमको डिफरेंशिएशन कर देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे मैंने सोलह एक्स का पावर तीन बोला बराबर दो, दो क्या एक्स स्क्वायर बराबर कितना जीरो एक्स की वैल्यू कितनी सर वन बाय टू प्लस माइनस भाड़ में क्यों सर अरे एरिया का भी निगेटिव हो सकता है क्या लाला नहीं ठीक है एक्स की वैल्यू रोट टू वन बाय वाला वन बाय टू यहां डालते हैं वाई की वैल्यू बोलो y की वैल्यू एक इसको स्क्वायर कर दो एक्स की वैल्यू रूटो क्या आ जाएगा वाई और एक्स दोनों निकला एरिया ठोक को खत्म करो कहानी एरिया बोलो ये आएगा कमेंट करो यहाँ पे एरिया डालो ये लो चलो सर एरिया निकालते हैं अलग कलर से अलग कलर आ गया एरिया टू क्या आ गया सर फोर एक्स सर रू टू रू टू 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 फोर फोर काटा आंसर और वो भी क्या स्क्वायर यूनिट कमेंट करिएगा भाई जानवी भार को बहुत बढ़िया ये सवाल पूछना जरूरी था बहुत बढ़िया एरिया का स्क्वायर क्यों टू एक्स इंटू टू एक्स कैसे आया बहुत बढ़िया और पूछो तुम सिर्फ एरिया भी कर सकती हो बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आंसर देते जाओ एक दूसरे को अरे मारो गोली देते जाओ एक दूसरे को आंसर दो ओके ओके थैंक यू ट्विंकल बहुत बढ़िया मेरी जरूरत अरे मेरी को जरूरत अरे बोलो यार मेरी को जरूरत जाऊं मैं? ठीक चलो हो गया यार सवाल ये अरे हो गया सवाल <laughs> एक दूसरे को आंसर दे खत्म कहानी तुम वैसा भी कर सकती हो पर तुम वैसा भी कर सकते हो और तुम वैसा भी कर सकते हो नाइस वे ऑफ सॉल्विंग शुक्रिया सर आप भी बता दीजिए एक बारी अब तुम मुझसे भी सुनना चाहती हो बच्ची यह गलत है अगर तुम्हें समझ आ गया तो चुप करवा लो और नहीं तो देखो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट अगर मैंने इसको ओरिजिन से नापने के लिए यहां पर एक्स यूनिट लिया यहां पर वाई यूनिट लिया तो टोटल क्या हो गया टू एक्स और टोटल टू बाई तो भी लेकर के सॉल्व कर सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बट इसको कैसे कराएगी क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि है कि माइनर पे मेजर पे हाफ है और इसका सेंटर जीरो जीरो है इस इलिप्स का अरे बोल बेटा इलिप्स का सेंटर जीरो जीरो सर कैसे पता चला आपको सपना आया क्या सपना नहीं आया इसमें कोई इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है तो केंद्र बिंदु जीरो जीरो पर होगा फॉर्मूला क्या था अरे सर्कल का एक्स माइनस एच का वाई माइनस के का आर का है ना तो यहां पर ये और ये क्या होता था सेंटर ये क्या होते थे रेडियस क्लियर है चलो बढ़िया समाप्त करें इसको एक बार सारे लोग यस सर बोलो जोर से बोलो जय माता दी सारे लोग बोलो यस सर आगे बढ़ते हैं। बहुत हुआ क्या यही यही करवाते रहोगे क्या अरे चलो खत्म करो खत्म करो चलो हो गया रे। चलो आय हाय गुवाहाटी बड़ी प्यारी जगह है अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई देख लो ध्यान से चलो इसको तो हरे कलर से निपटाएंगे है ना हरा हरा कर देंगे इसको चलो गुवाहाटी वैसे बड़ी प्यारी जगह मैं आज तक गया नहीं कैसे बता सर आपको अब जो बच्चे अपने आई के जाते हैं गुवाहाटी पढ़ने के लिए फोटो वोटो खींच के डालते हैं उधर पे उधर पे फोटो वोटो खींच के डालते हैं तो अच्छा लगता है अब देखो यार फंक्शन का ऊपर फंक्शन ये कोई जबरदस्ती आंसर कमेंट नहीं करेगा ना बता रहा हूं जिसको पता होता है कई लोग पी वाई को देखे पी वाई क्यू देख आंसर दे दे मोहम्मद गुलाम ए गलत है मोहम्मद अब देखो ध्यान से पावर वाई ठीक है तो मैं ना इसको ऐसा लिख सकता हूं वाईज टू दोनों साइड लॉग लिया खत्म क्या बचा लॉग बचा एक्स का पावर वन बाई एक्स बचा कान पकड़ के नीचे लाओ बोलो क्या आया एक्स क्या बोलती जनता एकदम सच है सर ठीक है अब क्या करें देखो मैक्सिमम मैक्म निकालने का पहला फंडा ये स्टेशनरी पॉइंट निकालो दूसरा उस स्टेशनरी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव मतलब चेंज इन स्लोप निकालो ठीक स्टेशनरी पॉइंट निकालते क्या करेंगे सर वाई डैश बरोबर में क्या जीरो डी नो मिनीटर का स्क्वायर डी नो मीनीटर वन बाई एक्स न्यू मी रेटर इन टू वन क्या क्या बोलो एक्स एक्स काटा लॉग एक्स वन माइनस बराबर जीरो क्या बोलते हो एक्स की वैल्यू अरे रुको रुको इतना हड़बड़ाना नहीं है बोलो बोलो लॉग एक्स की वैल्यू ये कहाँ होता है रे ई पर इसका मतलब क्या हुआ प्यारे भाई इसका मतलब ये हुआ सर नमस्ते लंदन नमस्ते लंदन बस अब ए और बी में से टॉस करना है मैक्सिमम मैक्सिमां जो भी आ जाए आंसर हमारा आ गया क्या बोलते हो भाई क्या बोलते हो लल्लू क्या टाइम पास कर रहे रे? पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही सब कर रहे हैं। चलो अब डबल डिफरेंशिएशन करते आओ करें डबल डिफ्रेंसियेशन करेंगे क्या होगा फॉर एम एम है ना मैक्सिमा मिनिमा चलो करें एक्चुअली सिंगल डिफरेंशिएशन क्या पता है तुमको ये नहीं है रे बाबा इसका मत कर देना सिंगल डिफरेंशिएशन क्या पता है कि नहीं ये है सर वन माइनस एल एन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वो तो उसको जीरो करके अपन ने निपटा दिया था बाकी तो सिंगल डिफरेंशिएशन यही है चलो इसका डबल करते क्या हो जाएगा इसका डबल करेंगे ये वाला ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर अरे नहीं सर तो लॉग एक्स सर ठीक है रे बाबा और इनटू करेक्ट है ये सर नो सही है ई e पर निकालना है क्योंकि वैल्यू आई e. है ई हमें निकालना है ई e पर चलो निकालें ई e पर चलो निकालें ई पर तो ध्यान से देखो मैं निकाल रहा हूं कितना ए। ए डाल दिया सब में लॉग ई कितना वन। वन वन पूरा मिला के कितना जीरो पार्ट कितना जीरो ई स्क्वायर बाई ए। ए, ए नीचे कटा ई माइनस वन अपॉन ई का पावर थ्री क्या बोलती जनता जनता है जीरो से छोटा जीरो से छोटा बोले तो क्या मैक्सी मां जीरो से छोटा बोले तो क्या मैक्सी ऑप्शन है आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गुवाहाटी का सवाल आगरा आंसर क्या बोलते हो भाई सही है गलत है तुम लोग सही गलत क्या बोलोगे सही है? अगर मैं ये कहूं ये सवाल रिपीट मारा था 2019 में तो क्या बोलते हो अच्छा सर ऐसा है क्या बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन 2019 रिपीटेड सवाल ठीक है रिपीटेड सवाल कोई दिक्कत वाली बात इसमें सिंपल अगला सवाल करते हैं। चल किधर से कटेगा इधर से कटेगा और ये है तुम्हारा होमवर्क ये है तुम्हारा होमवर्क बट इसके सॉल्व होने के लिए मैं तुम्हें दूंगा एक छोटी सी तकनीक क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन वाला अगर डबल सॉरी डबल डेरिवेटिव वाला अगर मैंने तुमको होमवर्क दिया तो तुम घबरा ना जाओ कहीं ठीक है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों डबल डिफरेंशिएशन नहीं ये डबल फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है और ये तुम्हारा होमवर्क है दिस इज योर होमवर्क सारे लोग एक बार नोट कर लेंगे बॉस सारे लोग एक बार नोट कर लेंगे ठीक है एंड दिस इज योर होमवर्क ये तुम्हारा होमवर्क है ये तुम्हारा होमवर्क है दिस इज योर होमवर्क ओके सर सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता दे तो सबसे पहले हम निकालने वाले स्टेशनरी पॉइंट जैसी मैं बोलूंगा सर स्टेशनरी पॉइंट क्या तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान है कैसे तुम निकालोगे P तुम निकालोगे Q और दोनों को कर दोगे जीरो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बता वैल्यू निकालनी है ठीक है P कैसे निकालते हैं गुरु जी तुम निकालोगे बेटा डेल एफ बाय डेल एक्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन तुम निकालोगे डेल एफ बाय डेल वाई और उसके बाद उसको कर दोगे जीरो ध्यान से देखना स्टेप नंबर वन हो गया ये दिस इज स्टेप नंबर वन करना तुमको है ठीक है सॉल्व नहीं होगा तो आई विल टीच इन द नेक्स्ट क्लास अब अगले साल क्लास लूंगा अगले साल हो सकता है मूड चेंज हो जाए अच्छा तुम लोग तुम लोग मेरे से प्रॉमिस करो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कल रात को 12 बजे तुम्हारे साथ लाइव खड़ा मिलूंगा दोस्त अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि हां सर हम सब रहेंगे अगर सब लोग बोलते हो यस सर वी विल बी देयर आई विल बी देर रात को 12 बजे तुम्हारे साथ लाइव खड़ा मिलूंगा लाइव सवाल सॉल्व करते रहूंगा मजा आ जाएगा नए साल का स्वागत करेंगे बाहें फैला के मैं वहीं रहूंगा पिछले साल भी था याद कर लो पिछले साल भी था मैं अपने बर्थडे पे भी लाइव था पिछले साल और न्यू ईयर पे भी लाइव था पिछले साल अगर आपको याद होगा तो अगर आपको याद होगा तो मैं अपने बर्थडे पे भी लाइव था अपने न्यू ईयर का स्वागत भी हम लोगों ने लाइव किया था अगर आपको याद होगा आप में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर इधर उधर चले गए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस टाइम पे थर्ड ईयर पे हो आज फाइनल ईयर पे हो या कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो रिपीट कर रहे हो कुछ ऐसे ऐसे हो जो मुझसे प्यार करते मुझे देखने आ गए उनको पता है कि सेम टाइम पर हम लाइव थे 2022 का स्वागत किया था हमने अगर बोलोगे हां अब भी आज लिंक बनवा दूंगा ग्यारह बज के ग्यारह मिनट पे लाइव चालू करूंगा बारह बज के बारह मिनट पे लाइव खत्म करूंगा अगर तुम बोलोगे हां कोई मेरा प्लान नहीं होता मैं कोई पार्टी पुटी नहीं करता कोई मेरा प्लान नहीं होता नए साल में थर्टी फर्स्ट नहीं न आज तक नहीं किया मैंने आज तक नहीं किया मैंने मेरे को मतलब ही नहीं है हर दिन मेरे साथ हर 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 दिन मेरे लिए एक समान है अपना काम करना इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेशन होते रहेगा हर दिन जीरो है तो पहला अगर आर इज लेस देन जीरो है तो और आर इज ग्रेटर देन जीरो है तो अगर ये है तो मैक्सिमा अगर ये है तो मिनिमा निकालेंगे कैसे फंक्शन पे वैल्यू ये क्या होता है सर आर बराबर क्या होता है दो बार डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आर एस एस क्या होता है एक बार और एक बार ठीक है टी क्या होता है सर टी टी होता है मेरे पास क्या डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर चलिए